राधे राधे जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। भोरे भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर विच आरती ओ मां जय जय। जय माता की, राधे राधे, ओम दुम दुर्गाय नमः। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 10 फरवरी से माघ मास के गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि छोटी छोटी सी बातें जो बहुत ही मुख्य होती हैं, जिनका बहुत अधिक महत्व होता है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज की वीडियो गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसी ही अच्छी वीडियोस का लाभ उठाते रहें। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है गुप्त नवरात्रि के विषय में है, तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। और बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम कभी कभी भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहती हैं, तो आज की अपनी इस वीडियो के द्वारा हम आपको वो जानकारी देना चाहते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम सभी जानते हैं कि हर साल वर्ष में 4 नवरात्र आते हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 प्रकट नवरात्र होते हैं। एक वासंतिक नवरात्र होते हैं जो कि मार्च के महीने में आते हैं, अप्रैल के महीने में आते हैं, और एक होते हैं शारदीय नवरात्र, आश्विन मास के जो नवरात्र होते हैं। चैत्र और आश्विन मास के जो 2 नवरात्र होते हैं, ये तो सारा संसार जानता है, किंतु माघ मास में और आषाढ़ मास में जो नवरात्र आते हैं उन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। तो माघ का महीना चल रहा है, आज मौनी अमावस्या की तिथि हो गई है और कल से प्रतिपदा की तिथि प्रारंभ है और गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ है। हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में आप गुप्त नवरात्र के दौरान 10 महाविद्या स्तोत्र का पाठ करके माता की कृपा का लाभ उठा सकते हैं। और सिंपल तरीके से उसी प्रकार से आपको, जैसे आप उन नवरात्र में कलश स्थापना, अखंड ज्योत की स्थापना, माता की स्थापना करते हैं, इन नवरात्र में भी आप उसी प्रकार से माता की स्थापना कीजिए। माता के व्रत का संकल्प लीजिए, कलश स्थापना कीजिए, अखंड ज्योत जलाइए, अपनी माता रानी को मनाइए। माँ तो सबकी हैं, माता तो बड़ी कृपालु होती हैं। माँ का तो नाम ही ऐसा होता है कि जब हम अपने मुख से माँ शब्द निकालते हैं ना, तो मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है। आप सभी इस चीज़ को महसूस करते होंगे। एक जन्म देने वाली माँ होती है, पालने वाली माँ होती है, और एक सारे संसार को जन्म देने वाली, सारे संसार का पालन करने वाली माँ होती है। तो जो इस संसार का पालन करने वाली माँ है, जन्म देने वाली माँ, उन्हीं माँ की आराधना करने का समय आ गया है। आराधना साधना तो हम लोग प्रतिदिन ही करते हैं, किंतु कुछ समय होता है जब हमें पूर्ण रूप से अपने आप को माता को समर्पित करना होता है। किंतु आपको इन नवरात्रि में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि जैसा कि नाम से प्रतीत होता है गुप्त नवरात्रि, तो गुप्त ये परम गोपनीय दिन होते हैं। यदि आप व्रत रख रहे हैं, किसी प्रकार की आप साधना कर रहे हैं, आप जाप कर रहे हैं, तो आपको किसी को भी इस विषय में बताना नहीं है, चाहे वो आपका कितना करीबी व्यक्ति हो। आप अपने घर में कर रहे हैं, घर में आप लोगों को पता होगा, किंतु बाहर इस बात की चर्चा आपको नहीं करनी है, क्योंकि इन नवरात्रों का जो महत्व है वो गुप्त तरीके से करने में ही है। अपनी साधना को गुप्त रखिए, अपनी पूजा को गुप्त रखिए। वैसे भी कहते हैं कि अपना भोजन और अपना
जो ये तपस्या होती है, जो पूजा होती है, इसको गोपनीय ही रखना चाहिए। इसको कभी भी किसी के सामने नहीं दिखाना चाहिए कि आपने 56 भोग खाए हैं या आपने नमक से रोटी खाई है, आप कौन सा मंत्र जपते हैं, कौन सा पाठ करते हैं, क्या पूजा करते हैं, ये हमें कभी किसी के सामने नहीं बताना चाहिए। और उसी प्रकार से ये परम गोपनीय नवरात्र होते हैं, इस व्रत के विषय में आपको किसी को नहीं बताना है। कोई ऐसी मजबूरी होनी ही नहीं चाहिए जो आपको बताना पड़े, है ना। आप ये कह सकते हैं, हाँ नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं तो आप भी व्रत कर लो, पूजा कर लो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप यदि किसी को कोई अच्छी बात बताते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, सबको पता चले कि इस तरीके से पूजा पाठ करनी होती है, वो तो चलो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये नहीं बताना है कि आप भी कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपनी साधना गोपनीय रखनी है। उसके बाद आप चाहें तो नवमी के दिन, अष्टमी के दिन, जिस प्रकार से भी आप करते हैं, आप कन्याओं को जिमाइए, माता का भोग लगाइए, अपने व्रत का उद्यापन समापन जो होता है उसको किया जाता है। माता दुर्गा की पूजा हम लोग कई तरीके से करते हैं, पाठ करते हैं, चालीसा करते हैं, और बहुत ही सुंदर ये माता के दिन होते हैं। तो जिस प्रकार से आप सामान्यतया नवरात्रि की पूजा व्रत करते हैं, बाकी सब कुछ आपको वैसे ही करना है। और जो बहनें हमारी व्रत नहीं रख रही हैं, व्रत नहीं कर सकती हैं, क्योंकि काम बहुत है घर में, जिम्मेदारियां बहुत हैं, या स्वास्थ्य की समस्या है, तो आप लोग कुछ मत कीजिए। कलश स्थापना नहीं करनी है, मत कीजिए। आपको अखंड ज्योत नहीं जलानी, मत जलाइए। किंतु आप पाठ कर सकते हैं, माता की उपासना कर सकते हैं, आपको कोई मंत्र जपना है, आपको कुछ भी ऐसा करना आप कर सकते हैं। और कितने सुंदर ये गुप्त नवरात्र होते हैं कि इसमें जो पंचमी का दिन होता है वो बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है, और माता सरस्वती का प्राकट्य का दिन होता है, उस दिन माता सरस्वती का जन्मदिन होता है, ऐसा माना जाता है हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, देवी भागवत में ऐसा कहा गया है कि बसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था। ये जो संसार है, ये जो पृथ्वी माता हैं, इसमें जो जीवंत हैं, ये जो संगीत है, जो ध्वनि है, ये जो कल कल करती हुई नदियाँ बहती हैं, जो ये हवा है, वायु है, जो सुंदरता है, जो एक जीवन का आनंद है, वो सब सरस्वती माता की ही देन है। माता सरस्वती की कृपा से ही हम सभी का जीवन इतना आनंदमय और संगीतमय होता है। माता ने वाणी दी है, बिना वाणी के तो कुछ था ही नहीं। तो माता सरस्वती की अनेकों प्रकार से आप पूजा उपासना कीजिए। यदि आप पूरे नवरात्र नहीं कर सकते हैं तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन अवश्य ही कीजिए। बसंत पंचमी का माँ सरस्वती का पूजन कैसे करें, किस प्रकार से बच्चों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी हो, ऐसी कौन सी पूजा करें, इस विषय में हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आप लोग उसका लाभ अवश्य ही उठाइएगा। किंतु एक बात का मैं विशेष ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि बच्चों को ही ज्ञान की आवश्यकता है, हम सभी को ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिना ज्ञान के तो हम सभी पशु समान ही माने जाते हैं ना। तो सभी को माता की आराधना, उपासना, पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, मासिक धर्म में हमें किसी भी प्रकार से माता को, भगवान को स्पर्श नहीं करना होता है, किसी प्रकार का पूजन नहीं करना होता है, बस मानसिक पूजा ही आपको करनी है। तो माता दुर्गा की उपासना के ये दिन हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों माताएं हैं जो इस संसार को जीवंत बनाती हैं, जो इस संसार जो चल रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है, और जो हम चाहते हैं हमारी माता हमारी मनोकामना पूर्ण करती हैं, सब कुछ माँ का दिया हुआ ही है। तो आप लोग जिस प्रकार से भी करें, लेकिन माता का पूजन अवश्य ही करें। कहते हैं ना, कुछ ना करने से कुछ करना सदैव ही अच्छा होता है। वैसे तो कहा जाता है कि ये जो नवरात्रि होते हैं, गुप्त नवरात्रि, ये तंत्र विद्याओं के लिए, तंत्र साधनाओं के लिए ही होते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। पूजा तो सभी के लिए होती है। जो तांत्रिक हैं वो अपने तरीके से करते हैं, जो गृहस्थ हैं वो अपने तरीके से करते हैं, तो पूजा तो आप कर ही सकते हैं। और वैसे भी भगवान के बिना तो हमारा जीवन, मतलब हम लोग जो हैं भगवान की पूजा
पूजा के बिना तो हमारे दिन की शुरुआत भी नहीं होती है और शाम भी होती है। तो भगवान के मंदिर में जब तक एक दिया ना जला लें, भगवान को नमन ना कर लें, हमें शांति ही नहीं मिलती है, है ना। और ये तो बहुत ही सुंदर दिन है, तो अपने अपने तरीके से सभी लोग माता को मनाएं, उनकी पूजा अर्चना करें, बहुत ज़्यादा मन में किसी भी तरह का भ्रम ना पालें। और जो हमारी माताएँ हैं वो सभी अपने, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान ना होइए, बिस्तर में बैठ के भी माता रानी का नाम का जाप आप कर सकते हैं। बच्चे हैं कुछ नहीं तो नहाकर माता के हाथ अवश्य ही जोड़ें स्कूल जाने से पहले। और जो हमारी बहनें हैं, भाई हैं, वो जिस प्रकार से माता को मनाते हैं, पूजन अर्चन करना चाहते हैं, अपने पूर्ण रूप से, पूर्ण मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ माता को मनाइए, पूजा कीजिए। तो गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की गुप्त तरीके से पूजा की जाती है। इसका सीधा संबंध वैसे तो तंत्र विद्या से होता है, किंतु गृहस्थ भी अपने अनुसार माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। सभी साधक और तांत्रिक इन दिनों में देवी दुर्गा की पूजा करते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सभी साधकों और तांत्रिकों के लिए विभिन्न पूजा अनुष्ठान जैसे हवन, तांत्रिक मंत्र का जाप, शावर मंत्र का जाप, ध्यान, सख्त उपवास करके तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। वो यही समय होता है जब वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो ये तो रही बात तंत्र साधना की, उन साधकों के लिए जो तंत्र विद्या करते हैं, किंतु हम गृहस्थ हैं, हम घर वाले लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, घर है, परिवार है, हम अपने तरीके से, साधारण तरीके से माता की पूजा करते हैं। तो बहुत ही साधारण तरीके से पूजा करें। बस इस बात का ध्यान रखिए, नवरात्रि के दौरान जो ये जो 9 दिन का समय है, 10 फरवरी से 18 फरवरी तक का, घर में यदि आप माता की साधना आराधना करते हैं तो प्याज लहसुन का प्रयोग मत कीजिए और शराब, मांस, मदिरा इन सब चीज़ों का प्रयोग मत कीजिए। और कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से हम सात्विक तरीके से रहते हैं इन 9 दिनों में, उस तरीके से आपको रहना चाहिए। और अच्छे तरीके से बस माता की पूजा अर्चना कीजिए, फिर देखिए, और माँ तो माँ होती, वो वैसे ही प्रसन्न होती हैं। और बस ये है कि कुछ नहीं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए, दुर्गा चालीसा कर लीजिए, माँ की आरती कर लीजिए। और मैं आपको बताऊँ, जिनके घरों में कलह रहता है, जिनके घरों में नकारात्मक ऊर्जा आपको अगर महसूस होती है, आपको लगता है कि आए दिन कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है, तो आप लोग अग्यारी अवश्य ही कीजिएगा, सुबह और शाम दोनों समय। प्रातः काल आप सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, बहुत अच्छा है, नहीं तो आप 5:30 बजे तक तो उठ ही जाइए। सूर्य भगवान को जल अर्पण करने के बाद, माता की पूजा करने के बाद आपको अग्यारी करनी है, और अग्यारी में आपको कपूर लौंग का इस्तेमाल अवश्य ही करना है। पूरे घर में धुआं दीजिए, जो धुनी होती है उसका धुआं दीजिए अग्यारी का। उसके बाद में आप शाम के समय जब पूजा करते हैं तो भी आपको यही प्रक्रिया दोहरानी है। इससे आपके घर से नकारात्मकता दूर होगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और घर में आनंद ही आनंद होगा, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय होते हैं, कीजिएगा और आनंद से माता की, सच्चे मन से भक्ति पूजा अर्चना अपने अनुसार कीजिएगा, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। तो आशा करते हैं आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत अधिक लाभप्रद होने वाली है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, आपके लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा और हिम्मत मिलती है और बहुत मन को खुशी भी मिलती है, और वो हर कार्य हमारा, हमें सौभाग्यशाली बनाता है, हमें पुण्यवान बनाता है, जिससे हम दूसरों को प्रसन्नता देते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसी ही बहुत सुंदर जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। जय माता की, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ।